वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का फुल एप्लीकेशन वीडियो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बॉडी पर कैसे अप्लाई की जाती है, उसके मेजर बेनिफिट्स क्या है और कैसे ये पेंट का ग्लॉस और पेंट का लाइफ इम्प्रूव कर देती है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की फिल्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक अच्छी और एक ख़राब क्वालिटी के पीपीएफ फिल्म में क्या फ़र्क होता है, और हम थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट में रेप्यूटेड ब्रांड्स करंटली कौन से अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अच्छे पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए गाड़ी को प्रॉपर वॉश और क्ले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे स्किन में पोर्स होते हैं और उसमें गंदगी जाके बैठ जाती है, उसी तरीके से पेंट में भी पोर्स होते हैं जिसके अंदर गंदगी जाके बैठ जाती है। बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स तो वॉशिंग में निकल जाते हैं, जो बारीक डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए क्लेइंग किया जाता है। एप्लीकेशन से पहले सर्फेस जितना ज़्यादा क्लीन होगा, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का अधेशन उतना ही बेटर होगा। प्रेप वर्क में एक चीज़ और ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है, गाड़ी पर कहीं भी टार नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर डांबर लगा होगा और उस पर फिल्म बिठा दी जाएगी तो वो परमानेंटली फिल्म के नीचे चला जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। पीपीएफ लगाने से पहले अगर आपकी गाड़ी पर स्वलमा का स्क्रैचेज हैं तो पीपीएफ उन्हें कवर अप कर देता है, तो कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग कम्प्लीटली मैंडेटरी नहीं है। बट हम लोग एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं सरफेस को पॉलिश करने के लिए, ताकि जब पीपीएफ बिठाएं उसके नीचे का सरफेस परफेक्टली फिनिश रहे। आईपीए क्लीनिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर सरफेस को पॉलिश किया गया हो। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, पीपीएफ लगाने से पहले सरफेस पे रफनेस होना चाहिए, ना कि सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस पे चिकनाहट रहेगी तो पीपीएफ ठीक से नहीं चिपक पाएगा। इस गाड़ी पर एजिस ब्रांड का पीपीएफ हमने यूज़ किया है, ये यूएसए का प्रोडक्ट है। और भी काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ है एक्सपेल, हेक्सिस, लूमार, 3M। इन ब्रांड्स के जो हाई एंड पीपीएफ होते हैं वो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के साथ में आते हैं, टीपीयू मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिसके कारण उसकी लाइफ और उसकी ड्यूरेबिलिटी, ग्लॉस और डैमेज झेलने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। पीपीएफ का हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि पहला पीपीएफ यूएस मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया था, हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स और बाकी सेंसिटिव एरियाज को डेब्री से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पीपीएफ से कवर किया जाता था। पर उस टाइम के पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स काफ़ी रिजिड होते थे, ये किसी भी कर्व सरफेस पे ठीक तरीके से नहीं बैठते थे। धीरे धीरे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ऑटोमोटिव यूज़ में आने लगा, क्योंकि गाड़ी पर बहुत ज़्यादा कर्व्स रहते हैं तो पीपीएफ का थिकनेस थोड़ा घटाया गया, स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी बढ़ाई गई और ओवरऑल ग्लॉस एंड क्लैरिटी भी इम्प्रूव कर दिए गए। गाड़ी पर सीमलेस पीपीएफ लगाने के लिए सिर्फ गाड़ी के हैंडल्स खोलने की ज़रूरत होती है, पर इस गाड़ी पर कस्टमर के रिक्वेस्ट करने पर हमने हैंडल्स नहीं खोले हैं, हमने हैंडल्स के अराउंड कटिंग की है। एजेस को अच्छे से सील करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाय चांस एज ठीक से सील नहीं होगा तो बाद में वहाँ पर मिट्टी और कचरा फंस सकता है, जिसके कारण वहाँ से पीपीएफ खुलने का रिस्क हो सकता है। तो किसी गाड़ी पर अगर ज़्यादा कर्व सरफेस रहेगा तो कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं पीपीएफ लगाते हुए, पर ये काफ़ी नॉर्मल है। एज एन एप्लीकेटर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फिल्म को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें, ताकि सरफेस पर ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना आएँ। कोई भी अच्छा क्वालिटी का पीपीएफ या ब्रांडेड पीपीएफ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हम भी ये बात समझते हैं कि हर क्लाइंट का अपना एक बजट होता है, बहुत लोकल वेंडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, 25-30-35 हज़ार की रेंज में पीपीएफ ऑफर करते हैं। अब इस प्राइस में आप गाड़ी पर कोई भी लैमिनेशन करा रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब ये वेंडर्स उस पीपीएफ को ब्रांडेड बता के बेचते हैं। किसी भी इंटरनेशनल या रेप्यूटेड कंपनी का पीपीएफ वो प्राइस रेंज में करना पॉसिबल ही नहीं है। ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आगे चल के काफ़ी इशूज़ क्रिएट करते हैं। पहले तो इनमें वो क्लैरिटी नहीं रहती जो ओरिजिनल पीपीएफ में आती है, ऑरेंज पील इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, पीपीएफ में हेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो ग्लॉस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, ऐसे पीपीएफ बहुत जल्दी येलो भी पड़ जाते हैं, गाड़ी से गाड़ी का इंपैक्ट होने पर बहुत आराम से फट भी जाते हैं, क्योंकि इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जो एक अच्छी क्वालिटी के पीपीएफ में रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इन पीपीएफ को रिमूव करते हुए, क्योंकि इनका एडहेसिव हाई क्वालिटी का नहीं होता तो ये कभी कभी पेंट भी निकाल देते हैं, विच डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ अप्लाइंग अ पीपीएफ। तो आप गाड़ी पर जब भी पीपीएफ कराएं, हाई क्वालिटी का पीपीएफ कराएं, और अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का सेरामिक कोटिंग भी गाड़ी पर करवा सकते हैं।
एक अच्छी क्वालिटी का PPF ना केवल ही ज्यादा टाइम गाड़ी पर टिकेगा बल्कि बेटर प्रोटेक्शन भी देगा और ज्यादा अच्छी फिनिश भी प्रोवाइड करेगा। एक अच्छी क्वालिटी का PPF आपके पेंट को स्टोन चिपिंग से भी बचा सकता है, चाबी के स्क्रैचेस से भी बचा सकता है। काफी हाईली केमिकल एंड एसिड रेजिस्टेंट रहता है, इस पे बहुत इजीली स्टेन्स नहीं आते हैं। UV डैमेज से भी पेंट को प्रोटेक्शन ऑफर करता है और अगर फिल्म अच्छी क्वालिटी की होगी तो इसकी लाइफ 5 साल से लेके 10 साल तक हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी एक अच्छा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चुनने में और एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चुनने में, क्योंकि महंगी चीज़ एक बार महंगी पड़ती है और सस्ती चीज़ बार बार महंगी पड़ती है। एंड लाइक ऑलवेज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।